अपने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ आर्ट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 जी। इसका देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या जी, पहली तीन को रूम के लिए यहाँ पर उसने हमें एक इक्वेशन दे दिया ए एन इज इक्वल एन प्लस 3। तो यहाँ सर यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एन की जो वैल्यूज हैं वो हमने डिफरेंट रख के, तो तीन इसकी पहली तीन कह लेंगे, एक दफ़ा एन को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जी देखिए पहले हम रखते हैं जी n इज़ इक्वल 1। तो n की वैल्यू हमारे पास पहले आ गई 1, तो यहाँ पर अब हम n की जगह पे 1 लगा देंगे, a1 फिर 1 प्लस 3। तो अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास जो a1 है उसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी, 4। तो अब हम सपोज करेंगे जी n जो है वो इक्वल है 2 के, तो अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे जी, 2a2 हो गया, फिर 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 5, यानी कि जो a2 है वो हमारे पास 5 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, n इज़ इक्वल 3। सो सिंपल, आसान से क्वेश्चन है ये, कोई टफ नहीं है इसमें। तो जहाँ पर n है हमारे पास वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अब 3 लगा देंगे, 3 और 3 हमारे पास हो गए 6, इनको आपने प्लस कर लेना है जी। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है a की बेस n है और -1 की पावर n और n की पावर 3। तो जी अब हम इसको करेंगे, अब सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, n इज़ इक्वल 1। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 1 लगाएं, -1 की पावर 1 और 1 की पावर 3, इनके -1 है उसकी पावर n है, तो n पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर ये हमारे पास n है तो n की जगह पे क्या आ गया, 1, और ऊपर उसके हमारे पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो a1 जो है हमारे पास आ जाएगा, अगर -1 की पावर 1 लें तो -1 ही आता है, तो 3 की पावर अगर हम 1 लें, 1 की पावर 3 लें तो 1 ही आएगा। तो ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इकट्ठे लिखे हुए, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 1 1 -1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे n इज़ इक्वल 2 रख के इसको सॉल्व, जहाँ पर n है वहाँ पर हम लगा देंगे अब 2 इधर आ गया, -1 की पावर n की जगह पे आपने 2 रख दिया, फिर दोबारा अब n है तो 2 लगा दें और इसकी पावर लगा दें बाहर 3। तो जो अब a2 है इसका आंसर आप देखिए, ये -1 का अगर हम स्केयर लें तो वो +1 में चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर हम 3 लें तो वो हमारे पास आता है 8। तो यहाँ पर 8 1 8, तो a की पावर 2 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब हम a 3 निकालते हैं, तो n हमें रखना पड़ेगा 3। तो अब आप क्या करेंगे, a 3 लगा देंगे, -1 की पावर 3 आ गए बाहर, और n की जो है वो हमारे पास क्या है जी, 3 है और उसकी पावर भी 3 है। तो -1 की पावर अगर 3 आ गया तो वो -1 ही आएगा। इसकी रीज़न क्या है, एक इसका मैं छोटा सा क्लू बता देता हूँ कि जब भी किसी नंबर की जो नंबर माइनस वाला होगा उसकी पावर ऑड नंबर में होगी ना, 1 3 5 7 9, तो उसका हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। तो अगर इसकी पावर इवन नंबर में होगी, यानी कि 2 4 6 8 पावर होगी, तो जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देखते हैं, 1 पावर है तो ये ऑड है तो -1 आया था, 2 पावर है ये इवन है तो ये +1 हो गया, ये 3 पावर है ऑड है तो -1 आ गया, 3 3 9 और 9 3 27। 3 दफ़ा आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है, या कैलकुलेटर से आपने इसकी 3 पावर ले लेनी है, 27 1 27, यानी कि -27 जो है इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी हम n पहले रखेंगे 1, तो 1 पे साथ हम 1 लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो a1 इज़ इक्वल 2 1 2 प्लस 5, तो a1 इज़ इक्वल 7 आ गया हमारे पास। अब हम रखेंगे जी n इज़ इक्वल 2, तो a2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 2 2 4 और 5 सेम आ गया, ये हमारे पास इसका a2 का आंसर 9 आ गया। तो a3 है इसका आंसर अब हम निकाल लेते हैं, 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, 3 इधर भी और 5 आ गया, 2 3 6 प्लस 5 1,
ये इसलिए मैं अब जल्दी का आ रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी जो है ना समझ आ गई होगी। बस ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपने देखना ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए एन इज इक्वल एन प्लस 1 ओवर 2n+5। इनके क्या है एक दो हमारे पास इसके इस पार्ट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे है, दोनों में हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर फिर आप सेम ऐसे n+1 रख लें, तो a1 1+1 डिवाइडेड बाय 2 × 1+5। ऊपर हमारे पास आ गया 2, नीचे आ गया 2 × 2+5, ये हमारे पास आ गया 2/7। और जी आप यहाँ पर हम रखेंगे n इज इक्वल टू, तो अब आप एक साथ 2 लगा देंगे, 2+1 2 × 2+5। ऊपर हमारे पास आ गया 2, नीचे आ गया 4+5, 2/9। जो थर्ड है हमारे पास आप देखिए n इज इक्वल 3, तो यहाँ पर आप लगाएंगे a3 इज इक्वल 3+1, 2 × आप 3 लगा दें इसकी जगह पे +5, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 6+5, 4/11। तो ये हमारे पास इसका जो है थर्ड आंसर आ गया। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये देखिए, यहाँ पर भी हम n इज इक्वल पहले 1 रखेंगे, तो a1 इज इक्वल ऊपर 1 लगाएं, नीचे लगाएं 2 × 1 − 1, इसकी बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ऊपर स्केयर आ गया 1, ऊपर आ गया 2 × 1 = 2 − 1, और इसके बाहर जो है हमारे पास आ गया 2 सेम, तो 1 ऊपर 1 का हमारे पास स्केयर आ गया। तो 1 का अगर हम स्केयर लेंगे ना तो 1 ही आ जाएगा, 1 का 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ गया, a1 का आंसर आ गया। अब हम a2 फाइंड करेंगे, उसके लिए हम n रखेंगे 2, तो ऊपर आ गया 1, नीचे हम लिखेंगे 2 × 2 − 1, और इधर बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, बाहर 2 आ गया, अब सॉरी इधर जो था ठीक है जी, 1 ऊपर सेम 2 × 4 − 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 1 आ गया सेम 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 × 3 = 9, दूसरा इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम कर लेते हैं जी a3, यहाँ पर हमें n जो है 3 रखना पड़ेगा जी। पहली 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है इसकी, 1 सेम आ गया, 2 के साथ हम अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रख देना, सिंपल है, वर्किंग सारी एक जैसी है, बस वैल्यूज़ इसकी चेंज हो रही हैं। ऊपर सेम 3 × 2 = 6 कर लें, −1 का स्क्वायर आ गया, ऊपर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, ऊपर 1 सेम 5 × 5 = 25, तो ये हमारे पास इसका जो है वो तीसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करने जा रहे हैं हम, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये an इज इक्वल n+3, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 था बिल्कुल सेम था, बस इसके इक्वल उसने 2 लगा दिया हुआ है, जो कि इस मिस्टेक है, इसको आप खत्म कर देना है, आपने बस ये सॉल्व करना है। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो 1 था वही आपका 6 वाला भी हो गया हुआ है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में आपने फिर सेम वही मेथड n इज इक्वल 1 रखेंगे, तो a1 इज इक्वल 1/3 की पावर 1, तो a1 इज इक्वल 1/3 की पावर 1 लें तो 3 ही आ जाएगा। फिर n रखेंगे हम 2, तो a की बेस 2 है और इसकी 1/3 की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास 3 × 3 = 9 आ जाएगा। तो अगर हम n इज इक्वल 3 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a3 और 1/27, ये हमारे पास इसके 3 आंसर आ गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्लस किया था, इसमें बस आपने माइनस कर लेना है, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए हमारे पास है, an इज इक्वल n+1 an − 1, और आगे काम है जी, a1 की वैल्यू से हमें 1 दे दिया है, इसका मतलब कि पहला आंसर उसने हमें खुद ही दे दिया हुआ है 1, a1 का जो आंसर है वो हमारे पास 1 है। अब हम n इज इक्वल 2 रखेंगे,
टू रख के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप टू आ गया, टू प्लस वन ए एन है ना, तो ए हो जाएगा टू माइनस वन, तो यहाँ पर ए टू इज इक्वल ये हो गया थ्री। यहाँ पर हमारे पास आ गया टू में से अगर हम वन माइनस करें तो ए वन आ गया, तो थ्री जो ए वन हमारे पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर वन पुट कर देना है, तो थ्री वन आर थ्री, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब सेम ऐसे ही हम ए जो है वो थ्री फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर थ्री लगा दें, यानी कि जहाँ पर पहले आपने टू लगाया है ना वहाँ पे अब आपने थ्री लगा देना है, एन की जगह फिर थ्री आ गया, ए एन ना थ्री लगाएं माइनस वन करें, ये हमारे पास फोर आ गया, और इसके साथ है थ्री में से टू निकालें वन निकालें टू आ गया, ए टू हो गया, तो इस देखें अब ए थ्री फोर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए टू के साथ, तो ए जो टू है उसका आंसर हमारे पास थ्री आया है, तो इधर आपने थ्री लगा देना है, ए थ्री इज इक्वल हमारे पास 12, इसका आंसर आ गया। अब हम सैम्पन जो वन है इसका क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं, दर्ज ज़ैल सिस्टम की निशानदेही की गई रकम मालूम कीजिए। इनके हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसने हमें कहा जी ए एट यानी कि आठवें नंबर पे जो वैल्यू होगी वो आपने फाइंड करनी है, तो आठवें नंबर पर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले ये देखना है कि ये जो वैल्यूज चार हमें दी गई हैं इनमें किस नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया, हमने पहले चेक कर लेना है। तो आप देखें इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले दो वैल्यूज़ में जी छः में से अगर हम चार माइनस दो माइनस करेंगे चार आ जाएगा, फिर हम अगर ग्यारह में से छः को माइनस करेंगे तो पाँच आ जाएगा, फिर हम सेवनटीन यानी कि सत्रह में से अगर ग्यारह माइनस करेंगे तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि फोर पहले नंबर में ऐड कर किया गया तो दूसरा आ गया, फिर दूसरे नंबर पर अगर फाइव ऐड करें तो तीसरा आ जाएगा, और तीसरे में अगर हम छः ऐड करें तो सातवां यानी कि सेवनटीन यानी कि चौथा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमने नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड करना होगा तो उसमें सेवन फिर एट फिर नाइन फिर टेन ऐसे अगर हम इनको ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए हमारे पास उसने ए वन जो पहली वैल्यू वो ए वन है, ए वन उसने हमें दे दिया हुआ है टू, फिर अगर आपने ए टू निकालना है तो फिर आपने ये जो वैल्यू है टू है उसमें फोर प्लस किया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया जी सिक्स। ए थ्री जब निकालना है यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है तो दूसरी वैल्यू में कितने प्लस किए गए हैं जी फाइव, फाइव प्लस किए गए हैं तो सेवन आ गया, तो ए फोर जब निकालेंगे तो इलेवन में फिर सिक्स प्लस करने हैं तो सेवनटीन आ गया, ए फाइव जब निकालना है तो सेवनटीन में सेवन प्लस करने हैं, यानी कि आप देखें फोर फाइव सिक्स सेवन इधर आपने एक नंबर बढ़ाते जाना बाकी आपका सेम ये वाला सेम आता जाएगा। सेवनटीन में अगर प्लस किए जाए ना सेवन तो ये हमारे पास बन जाता है जी ट्वेंटी फोर। अब ए सिक्स निकालना जब तो ट्वेंटी फोर में प्लस करने हैं सेवन और इधर एक बढ़ा दें एट, एट प्लस करेंगे ना तो ये आ जाएगा जी थर्टी टू, और फिर जो ए सेवन है फाइंड करना है तो थर्टी टू में प्लस करेंगे नाइन तो ये आ जाएगा फोर्टी वन, और लास्ट वैल्यू जो ए एट हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास के अगर 41 में हम 10 प्लस कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 51। तो इस तरह हम जो है ये एट हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, अगर हम इन दोनों का माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 2, इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो 9 आ रहा है, तो इन दोनों का अगर माइनस करें तो ये 48 आ रहा है, तो ये तो प्लस करके बन ही नहीं रहे, इसका कोई और उसने यानी कि जो है नंबर से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम देखते हैं जी अगर आप वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा थ्री, और थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व को फाइव से मल्टीप्लाई करें सिक्सटी, यानी कि अब उसने क्या किया है पहले थ्री से मल्टीप्लाई किया फिर फोर से फिर फाइव से सिक्स से सेवन से एट से, ऐसे उसने हर नंबर को एक नंबर पहले इसमें उसने एक नंबर बढ़ा के प्लस किया हुआ था, दूसरे को ऐसे में क्या किया उसने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है लेकिन प्लस की जगह उसने क्या कर दिया जी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ए वन है हमारे पास वो तो हो गया जी वन। जब आपने ए टू फाइंड करना है तो वन मल्टीप्लाई थ्री करके करना है, तो थ्री वन का थ्री हो गया, ए थ्री जब फाइंड करना है तो जो टू वाली वैल्यू है उसको फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर थ्री दार 12, जब ए फोर करना है तो ये जो आंसर है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 12 आर 60, तो जब ए 5 फाइंड करना है
तो ये जो 60 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 6 36, 360 हो गया। तो जब ए 7 करना है तो 3 जो 60 है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 360 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2560। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इसका जो है पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पहला आप देखिए 1 1 ओवर 3, 1 ओवर 9, 1 ओवर 27। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि नीचे वाला नंबर जो है 3 है, 3 3 9, 9 3 27, हर नंबर को 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ए 1 है हमारे पास वो तो हो गया 1। जब आपने ए 2 फाइंड करना है तो देखिए जो 1 है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 3 के साथ, तो ये हो गया 1 ओवर 3। तो ए 3 जब फाइंड करना है तो 1 ओवर 3 जो आंसर आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई फिर 1 ओवर 3 से कर लेना है, तो 1 ओवर 3 3 9 हो गया। तो ए 4 जब फाइंड करेंगे तो 1 ओवर जो 9 है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 1 ओवर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा जी 1 ओवर 27। फिर जब ए 5 फाइंड करेंगे 1 ओवर 27, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ओवर 3 के साथ, तो 1 1 1 और 3 को 27 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो ये 3 7 20 1, 2 कैरी 3 2 6 और 8, तो 81 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए 6 लास्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको 181 को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ओवर 3 के साथ, तो 1 ऊपर सेम आ गया, 3 1 3 3 8 24, तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो जी बच्चों अब इसका जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें आप देखिए कि कौन सा नंबर प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। तो पहले आप देखिए 1 के बाद फिर प्लस 1 आ गया, 1 के बाद 3, 3 के बाद इन दोनों को अगर आप देखें ना 2, इधर भी दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है। अगर हम -1 में भी 2 प्लस करें तो क्या आ जाता है जी 1 आ जाता है। इसका मतलब है हर वैल्यू में 2 प्लस किया गया है। तो पहले आप लिखें जी 1 जो ए 1 है हमारे पास वो है जी -1। तो ए 2 जब हम करेंगे तो जो -1 है इसमें +2 कर लेंगे तो हमारे पास 1 आ गया ये वाला। फिर ए 3 जो है फाइंड करने के लिए ए जो 1 है इसमें 2 प्लस कर लें तो 3 हो गया। यानी कि आप कह लें कि आपने हर दफ़ा 2 ही हर वैल्यू में प्लस करना है, 5 हो गया। तो ए 5 जब करना है तो ये जो 5 आया हुआ है इसमें 2 प्लस कर लें, 7 आ गया। ए 6 करना है तो 7 प्लस 2 कर लें, 9 हो गया। ए 7 करेंगे तो 9 प्लस 2 कर लेंगे तो 11 आ गया। ए 8 करेंगे तो 11 प्लस 2 कर लेंगे तो 13 आ गया। ए 9 करेंगे जब तो 13 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो ये हमारे पास ए 9 हमारा फाइंड हो गया। तो जी सुनो, अब इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर वाली वैल्यू में अगर 1 प्लस किया 2 हो गया, नीचे वाली वैल्यू में 2 प्लस किए मैंने 2 प्लस 3 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ए 1 है हमारे पास वो 1 ओवर 3 है। जो ए 2 जब हम करेंगे ना ऊपर वाली वैल्यू में 1 प्लस कर लेंगे और नीचे वाली में 2 प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 ओवर 5। तो जब ए 3 करेंगे तो 2 ओवर जो 5 है इसमें ऊपर 1 प्लस नीचे 2 प्लस, ये हो गया 3 ओवर 7। तो जब 4 हम करेंगे तो 3 प्लस 1 और 7 प्लस 2, ऊपर यानी कि 1 प्लस करते जाएँ नीचे 2 प्लस करते जाएँ, 4 आ गया और इसका 9 आ गया। ए 5 ये लास्ट वैल्यू हमारी, ए 5 में देखें अब 4 प्लस 1 और 9 प्लस 2, तो ये आ गया 5 और नीचे आ गया 11। तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब इसका जो इसका अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6, इसमें आप देखिए कि कौन से नंबर को प्लस माइनस किया गया है। तो पहले तो हमारे पास हो गया ना ए 1 जो 1 है, 3 लाने के लिए हम ज़ाहिर है 1 में से 4 ही माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर में से 4 माइनस कर दिया। अब उसके बाद
अगला नंबर जो है वो हमारे पास फाइव आना चाहिए। तो माइनस थ्री में कौन सा नंबर हम प्लस माइनस करेंगे तो फाइव आएगा। माइनस थ्री में अगर हम प्लस एट करेंगे तो हमारे पास प्लस फाइव आ जाएगा। अब माइनस सेवन आ गए तो फाइव में जो है कौन सा नंबर प्लस माइनस करेंगे तो सेवन आएगा। तो ये हमारे पास अगर हम माइनस ट्वेल्व करें ना तो हमारे पास माइनस सेवन आ जाता है। अब आप यहाँ पे इसकी तरतीब दे सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि फोर का टेबल प्लस माइनस हो रहा है। फोर का टेबल आपने ऐसे लिखते जाना है इधर। तो पहला नंबर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस। एक दफ़ा इसको प्लस करना है और एक दफ़ा इसको माइनस करना है। स्टार्ट आपने माइनस से करना है और फिर आगे चलते जाना है जितने भी ये नंबर होंगे। यानी कि यहाँ पर अब आप देखिए, जब आप ए टू फाइंड करेंगे ना, वन माइनस फोर काट दें तो हमारे पास आ गया माइनस थ्री। जब ए थ्री करना है तो फोर टू ज़ार एट, यहाँ पर आपने एट लिख लेना है और इसको प्लस करना आपने, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। यहाँ पर आ जाएगा प्लस फाइव। ए फोर करेंगे हम, ए फोर के लिए फाइव आ गया ये वाला सेम इधर, तो माइनस ट्वेल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेवन। तो ए फाइव करेंगे जब तो माइनस सेवन सेम आ गया। प्लस करेंगे सिक्सटीन को, तो सिक्सटीन अगर हम माइनस करें ना यहाँ से, सेवन प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो ये हमारे पास प्लस नाइन आ जाएगा। तो ए सिक्स जब करेंगे तो नाइन माइनस ट्वेंटी करेंगे, क्योंकि फोर का टेबल ही आपने एक दफ़ा नंबर प्लस कर रहे हैं, एक दफ़ा इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इलेवन। तो टोटल हमने नाइन फाइंड करनी है, तो सिक्स हुई है, सेवन जब करेंगे तो माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटी फोर, तो ये आ जाएगा प्लस थर्टीन। और जो एट फाइंड जब करेंगे तो प्लस थर्टीन में माइनस करेंगे हम ट्वेंटी फोर, और फोर इसमें और ऐड कर लें, एट हो गया। तो ट्वेंटी एट में से थर्टीन अगर माइनस किया जाए ना तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव और वन माइनस फिफ्टीन, बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे। अब लास्ट वैल्यू जब हम ए नाइन फाइंड करेंगे, माइनस फिफ्टीन में प्लस करेंगे फोर थर्टी टू, इनकी 28 में 4 प्लस करके 32 हो गया। तो 32 को जब 32 में से हमने 15 माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 17, प्लस 17। तो ये ए जो है नाइन हमारे पास आ गया। इनके ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आपने इस पे गौर कर लेना फिर दोबारा, कि पहले आपने माइनस फोर, यानी कि फोर का टेबल फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू तक करना है। तो फोर प्लस, फिर एक फोर माइनस वाला, एट प्लस वाला, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक दफ़ा प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस कर लेना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर टू कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर थ्री। तो जी बच्चों, अब जो है 7.1 उसका हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दर्जा ज़ैल सिलसिलों में अगली चार को मालूम कीजिए। जी, उसने हमें एक दो तीन चार वैल्यूज ये दी हैं, इससे अगली चार हम फाइंड करेंगे, वो उसमें क्या आएगा। ये जो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर टू है बिल्कुल वैसा ही है। अब हम देखेंगे इनमें क्या तरतीब पाई जा रही है। देखें, 12 में से 4 माइनस, 16 माइनस करें 4 आ गया, 21 में से 16 माइनस करें 5, और 27 में से 21 माइनस करें तो 6। इसका मतलब है पहली वैल्यू में 4 प्लस किया गया, दूसरी में 5, तीसरी में 6। तो आगे 7, 8 ऐसे हम इनको प्लस करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, ए वन जो है हमारे पास 12 है, जो ए टू है 12 में अगर 4 प्लस करें तो वो 16 बन जाएगा। ए जो थ्री है वो 16 में 5 जमा किए हैं तो 21 आ गया। जो ए फोर है वो 21 में 6 जमा किए हैं, 27 आ गया। इतने तो उसने हमें दिए हुए हैं। देखें, पहला तो हो गया ए वन, दूसरे में 4 प्लस किए हैं, इसमें तीसरे में जो है वो उसने 5 प्लस किए हैं, फिर आगे 6 प्लस किए हैं। इसका मतलब है कि अब हम 7, 8, 9 और 10 चार नंबर और फाइंड करेंगे ऐसे इनको प्लस करके। तो अब आप देखिए, ए फाइव जब फाइंड करना है तो 27 में 7 प्लस कर लिए तो ये बन गया जी 34। अब ए सिक्स करेंगे हम, 34 में 8 प्लस कर लिए तो ये बन गया 42 जी। उसके बाद ए सेवन जब करेंगे तो 42 में 9 प्लस कर लेने हैं तो ये बन जाएगा जी 51।
और जब A8 फाइंड करना है तो इसमें 51 में 10 प्लस कर लेना, तो ये बन जाएगा जी 61। तो इस तरह ये जो है हमारे पास अगली चार वैल्यूज, चार उसने हमें दे दी थी, अगली चार हमने फाइंड कर ली है। अब जो इसका जो है क्वेश्चन नंबर टू वो हम करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक दफ़ा चेक कर लूँ, 1357 जी, 1357 है, 15 ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या अरेंजमेंट आ रही है, पहली दो वैल्यूज में क्या फ़र्क है जी, इसमें टू का डिफरेंस है पहली दो में, दूसरी में आप अगर इनको माइनस करें इसमें फोर का डिफरेंस है, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो इसमें एट का डिफरेंस है, इन दोनों को अगर माइनस करें ना तो ये 16 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि टू की पावर जो है वो लेके उसने, यानी कि मल्टीप्लाई टू की पावर वन, इधर ये टू की पावर वन के इक्वल है, ये टू की पावर टू के, ये टू की पावर थ्री के, ये टू की पावर फोर के, यानी कि आपने टू की पावर एक नंबर बढ़ाते जानी है और इसमें प्लस करते जानी है। इस तरह जो है ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए, अब ए जो वन है हमारे पास वो वन हो गया, जो ए टू है उसमें वन में प्लस किया टू तो ये बन गया थ्री, और जो ए थ्री है उस थ्री में प्लस करना है टू, टू और फोर, टू की पावर टू तो ये बन गया सेवन। ए की भी पावर जो ए फोर है वो सेवन में प्लस किया फोर, इसको इसी को आप टू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा टू फोर ज़ार एट, एट प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 15। अब ए फाइव जब करना है तो 15 में प्लस कर देना टू एट ज़ार 16 तो ये 31 हो गया। तो जब ए सिक्स करना है तो 31 में प्लस कर देना आपने इसको टू, ए 16 टू ज़ार 32 ऐसे, यानी कि इस नंबर को टू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नीचे इसको प्लस करते जाएंगे आप, तो ये बन जाएगा जी ए 63। तो ए 7 जब करेंगे तो 60 जो 3 है ना, इसमें आप 64 को टू से मल्टीप्लाई, 32 को टू से करेंगे ना 64 आ जाएगा, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 7 6 6 12, 127 आ गया हमारे पास। और अब लास्ट वैल्यू है A8, जब फाइंड करेंगे तो 127 जो है उसको आप ये 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 128 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास बन जाएगा ये 255 आई थिंक बनता है, करके चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 127 प्लस 128, 128 जी 255 बन गया। तो ये हमारे पास जो है ए जो है वो एट, इनके चार वैल्यूज हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच वैल्यू ये उसने हमें पाँच वैल्यूज दी हैं, तो पाँच वैल्यूज यहाँ तक हो गई थी, तो एक दो तीन, तीन है अभी, एक एक वैल्यू हम और फाइंड कर लेंगे इसकी, इनके ए नाइन, ए नाइन के लिए हम क्या करेंगे 255 प्लस 128 को टू से मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाता है जी 256, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 511। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो है पार्ट नंबर थ्री है हमारे पास, इसमें आप देखिए जो ए वन है हमारे पास वो है जी माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ जी वन के साथ तो माइनस वन नहीं आता है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है जी। ए टू जब करेंगे ना तो यहाँ पे वन प्लस वाला आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टू के साथ तो ये हो जाएगा प्लस टू, और यहाँ पे जब ए थ्री फाइंड करेंगे तो इस साइड पे अब आपने ऑड नंबर लगाते जाने हैं थ्री, और इधर आपने लगाने हैं टू की पावर बढ़ा बढ़ा के, जैसे ये पहले था टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, ये देखो ज़ीरो पावर किसके इक्वल थी वन के, वन पावर टू के इक्वल है, टू पावर फोर के इक्वल है, थ्री पावर एट के इक्वल है, फोर पावर 16 के, ऐसे ही ये हमारा चलता जाना, ये 32 हो जाएगा, सिक्स पावर जो है वो 32, 64, यानी कि इधर आपने मल्टीप्लाई किससे करना है टू की पावर से, यानी कि पहले ज़ीरो पावर फिर वन फिर वो थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर आपने माइनस वन फिर आपने वन प्लस वाला, ये आठ नंबर सारे लेने हैं आपने, तो फिर ये आपका आंसर बनेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका आंसर बनने का। तो
तो अब इसको 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, देखें 12 आ गया हमारा, ठीक हो गया ना। ए की पावर 4 यहाँ पे आ गया 5, 5 आठ नंबर है, मल्टीप्लाई ये बन जाएगा जी 2 की पावर 4 के बाद 8 आ गया, तो 8 5 40, तो ये हमारे 4 नंबर हो गए। 4 अब हमने और फाइंड करने हैं, तो उसके लिए A5 लिखेंगे आप, तो इधर आप लगा लेंगे 7, 7 मल्टीप्लाई 16, तो हमारे पास ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 16, तो ये बन गया 112। उसके बाद जब अब A6 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 16 के बाद क्या आ गया जी 32, तो 32 लगा दें यहाँ पे, 32 मल्टीप्लाई 9 ये आ गया 288। A7 जब करेंगे तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 32 के बाद 64 आ गया, तो 11 मल्टीप्लाई 64 यहाँ पे आ गया 704, और A8 लास्ट वैल्यू है इसकी। 704 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ जी, A की पावर 7 के साथ, 128 के साथ, 128। तो 704 मल्टीप्लाई 128, तो यहाँ पर आ जाएगा 90112, तो ये हमारे पास जो है इसकी अगली 4 वैल्यूज़ आ गई। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लें जी। ये जो था यहाँ पर मैंने 8 नंबर लगाना था, तो मैंने ये वाला नंबर यूज़ कर दिया, तो 11 के बाद इधर आता है जी 13, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 मल्टीप्लाई 128, तो ये आना है 1536, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट। अब इसका जो है नंबर 4 क्वेश्चन ये करने लगे हम। इसमें आप देखिए पहले दो में कितने का डिफरेंस है जी, 2 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, फिर इन दोनों में 2 का, इसका मतलब है 2 3 3 2 3 3, ये इसकी अरेंजमेंट है। यानी कि पहले हम 2+ करेंगे, फिर 2 दफ़ा 3+ करेंगे, फिर 2+ करेंगे, फिर 2 दफ़ा 3+ करेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आएगा। यानी कि आप लिखिए A1 हमारे पास 9 है, ए जो 2 है वो फाइंड करेंगे 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यू उसने हमें दी हुई है। हमने 7 8 9 और 10 तक ये फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे आप 2+ करें, पहले ये हमारे पास हो गया 11, अब 11 में 3+ कर लें ये 14 हो गया, फिर 14 में 3+ कर लें तो ये बन गया 17, तो 17 में 2+ कर लें तो ये बन गया 19, 19 में 3+ कर लें ये बन गया 22, 22 में 3+ कर लें 25, 25 में 2+ कर लें 27, 27 में 3+ कर लें 30, 30 में 3+ कर लें 33, और 33 में 2+ कर लें तो 35, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि एक दफ़ा 2+ तो इसका जो है आंसर 35, यानी कि इसकी 10 वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। तो इसकी अरेंजमेंट क्या थी, पहले 2 फिर 3 3, 2 3 3, 2 3 3 और 2, ऐसे ऐसे हमने इसको, यानी कि एक दफ़ा 2+ करना था और 2 दफ़ा 3+ करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने, इसमें आप देखिए हर वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, 8 में 4+ की 8, 8 में 4+ की 12, 12 में 4+ की है तो 16। इसमें हर वैल्यू में 4 का डिफरेंस है, तो आप हर वैल्यू में जो है वो 4 ऐड करते जाएंगे, तो अगला नंबर आप आ जाएगा जो A3 है, 12+ करें, यानी कि 4 में 4+ करना था, इसको ज़रा दोबारा कर लें जी, 4+4 8 हो गया, 8+4 12 हो गया, A4 फाइंड करना था 12+4 कर लें, ये हमारे पास 16, इतनी तो उसने हमें दे दी हुई है 4, अब 4 हमने और फाइंड कर लेनी है। A5 जब करेंगे 16+4 कर लेंगे 20 हो गया, A6 जब करेंगे
ट्वेंटी प्लस फोर कर लेंगे, 24 हो गया। ए सेवन जब करेंगे 24 प्लस फोर कर लेंगे, 28 हो गया। ए एट जब करेंगे 28 प्लस फोर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 32। तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं, इतना ही आसान है वो भी जी। उसमें हमारे पास है माइनस टू, ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो क्वेश्चन लिखने से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए हर वैल्यू में दो का ही डिफरेंस आ रहा है। ज़ीरो में ए टू, ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो इसका मतलब है जब आपने अगला नंबर हासिल करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टू आपने ऐड करना है। देखें ए वन ना जो हमारे पास माइनस टू है, तो ए टू है ना, तो उसमें देखें माइनस टू प्लस टू करेंगे तो ज़ीरो आ गया। ए थ्री करेंगे ज़ीरो प्लस टू करेंगे तो टू आ जाएगा। हर वैल्यू में आपने टू का यानी कि डिफरेंस रखना है, टू प्लस करना है। तो ए थ्री जब ए फोर जब करेंगे ना, टू प्लस टू कर लें, फोर हो गया। ए फाइव जब करेंगे फोर प्लस टू कर लें, सिक्स आ गया। ए सिक्स करेंगे सिक्स प्लस टू हो गया, एट आ गया। ए सेवन जब करेंगे एट प्लस टू करेंगे तो टेन आ गया। ए एट करेंगे तो टेन प्लस टू करेंगे ट्वेल्व हो गया। ए नाइन, ए नाइन जब करेंगे तो ट्वेल्व प्लस टू करेंगे तो फोर्टीन। ए टेन में फोर्टीन प्लस टू कितने हो गए जी, सिक्सटीन। और लास्ट वैल्यू रह गई है ए इलेवन जी, सिक्सटीन प्लस टू कर लें तो हमारे पास क्या आ गया जी, एटीन जी। उसने हमें कितनी वैल्यू दी हुई थी, देखें आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन तक उसने हमें दे दी हुई है। एट नाइन टेन इलेवन, इनके आगे से हमने चार वैल्यू तो और फाइंड कर ली हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी सेवन पॉइंट वन कम्प्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह सेवन पॉइंट टू के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।